आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। वीर और रानी ने अपने परिवार के साथ मिलकर बना दिया आखिरकार विजय और सूरज का पोपट। अब पहुंचेंगे सलाखों के पीछे। जी हाँ, बात कर रहे हैं सीरियल अपना टाइम भी आएगा के बारे में, जहां पर आप सभी को देखने को मिल ही रहा है कि कैसे विजय अब सूरज और रानी की ज़बरदस्ती शादी करवा रही थी और इसी के साथ उसने वीर और राजमाता को कैद कर लिया था। लेकिन रानी भी इतनी आसानी से अपनी हिम्मत नहीं हार सकती है। वेल, आपको बता दें कि यहाँ पर रानी ने अपने पूरे परिवार वालों के साथ मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग की और वो जगह खोज निकाली जहाँ पर विजय ने वीर और राजमाता को किडनैप किया था। रानी वहाँ पर पहुँच जाती है तो वहीं दूसरी तरफ सूरज को लग रहा है कि उसकी शादी राधिका से हो रही है। जी हाँ, वो शादी कर लेता है, सात फेरे ले लेता है और इसी के साथ इसका लाइव टेलीकास्ट वीर और राजमाता को दिखाने वाला है। लेकिन जब सूरज के सामने सच आता है कि घूंघट के अंदर तो रानी है ही नहीं, उसकी राधिका है ही नहीं, तो ऐसे में वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से शॉक हो जाता है। जी हाँ, रानी तो पहुंच जाती है वीर और राजमाता के पास तो वहीं दूसरी तरफ सूरज और विजया के प्लान पर तो पानी फिर गया, उनका तो पोपट बन गया और इसी के साथ रानी पुलिस वालों को ही बुला लेती है और इन दोनों को जेल भेज देगी। क्योंकि एक तो रानी सा ज़बरदस्ती सूरज और रानी की शादी करवा रही थी और इसी के साथ उन्होंने वीर राजमाता को किडनैप करके रख रखा था और पूरे रजावत परिवार को बंदी बनाकर रख रखा था। इस जुर्म में अब रानी सा और सूरज पहुंचेंगे सलाखों के पीछे। इस अपडेट पे हमें अपनी राय ज़रूर बताएं।